तो गाइस एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल जूरन पर। मेरा नाम है पम्मी और ये नहीं दिखाना था यार। 5 घंटे से सर जी को देख रहा हूँ और मैं दाल वाले एपिसोड का वेट कर रहा हूँ। अब ऑब्वियसली बात है कि हाँ यार, हम पीरो बंदे हैं, हमें सब कुछ आता है और मेरे को दाल बनानी भी आती है, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस कुछ रेसिपी इधर उधर होगी तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत सर जी को देख ले। और गाइस आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना हम अपने घर का टूर करें, क्योंकि नए घर में जाऊंगा तो ये पुराने वाले घर का जो टूर वाली वीडियो थी ये वेस्ट हो जाएगी, तो क्यों ना थोड़े बहुत व्यूज यहाँ से ले। यार ये ऑनेस्टली नौकर मरवाएगी यूट्यूब पर किसी दिन। सबसे पहले हीटिंग फुल ब्लास्ट पर चलाओ, क्योंकि गाइस बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है और बाहर आप बिलीव नहीं करोगे कुछ देर पहले यहाँ पर बर्फ पड़ रही थी, स्नोफॉल हो रहा था, इतनी ठंड है। ये वाली हीटिंग तो ऑलरेडी चल रही है और साथ में मैं ये छोटी वाली भी लगा के आया हूँ, ये कल ही लेके आया हूँ। और आप बिलीव नहीं करोगे गाइस, मैं अपने कंटेंट का बहुत ध्यान रखता हूँ। मैंने सोच के रखा था कि मैं इस हीटिंग की अनबॉक्सिंग भी करूंगा। अगर आपको हीटिंग अनबॉक्सिंग देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे को। और थोड़ी बहुत वीडियो लंबी करने के लिए मैं आपको बेसिक स्पेक्स बता देता हूँ हीटिंग के, तो ध्यान से सुनिएगा। 2 kW फैन हीटर, 2 heat settings, 2 position features, पावर इंडिकेटर लाइट इसके ऊपर लगी हुई है, माइंड ब्लोइंग, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन। क्या करना पड़ता है आजकल यार वीडियो के लिए। तू बंद हो जा यहाँ से, तेरे अंदर से बहुत आवाजें आ रही हैं, वीडियो में डिस्टरबेंस हो रही है। देखो गाइस मेरे को बचा लेना प्लीज, क्योंकि जब घर वाले ये वाली वीडियो देखेंगे तो सबसे पहले आके मेरे को ही बोलेंगे कि तेरे को क्या पड़ी थी टूटी फूटी अलमारियां दिखाने की। लेकिन मेरे को पता है कि सबके घर में टूटी फूटी अलमारियां होती हैं, तो जैसे ही आपने टूटी अलमारी देखी उसी समय आपने सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट टूटी अलमारियां। तो सबसे पहले आता है हमारा एक छोटा सा बॉक्स रूम जिसके अंदर सिर्फ एक ही बेड की जगह है और साथ में पड़ी है अलमारी, और देसी टोटके अलमारी के ऊपर एक और अलमारी। आपको तो पता है गाइस कि हमारे घर के कुछ मेंबर्स यूनिवर्सिटी कॉलेज और स्कूल जाते हैं, तो अपने पढ़ाई का सामान इस वाली अलमारी के अंदर स्टोर करते हैं। जरा मैं चेक तो करूं कि ये लोग पढ़ते क्या है स्कूल के अंदर। अभी आती है पहली किताब, ये है बायोलॉजी, खाली है लाइक लिटरली पहले पेज से लेके लाइक सारी किताब ही खाली है। दूसरी किताब ये है नोटपैड, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा नोट्स लिखती होंगे ये लोग। वाह जी वाह, क्या नोट्स हैं। यहाँ पर कुछ गन वगैरह मचा हुआ, तो चलिए ये कमरा खत्म। अभी आता है हमारा नेक्स्ट रूम। ओके, ज्यादा एक्साइटेड नहीं लग रहा, और आई थिंक यहाँ पर ऑलरेडी इन लोगों ने पैकिंग करना शुरू कर दिया, बहुत तेज है यार। तो यहाँ पर कुछ स्किन केयर का सामान, साथ में पखा और टूटी अलमारी। प्लीज एक लाइक एक सब्सक्राइब प्लीज। यहाँ पर कुछ और गत्ते और पैकिंग का सामान इन लोगों ने शुरू कर दिया है, और यहाँ पर पड़ा है गाइस बहुत बड़ा शीशा जिससे हम सिर्फ अपने पैर ही देख सकते हैं। ठीक सामने हमारा आता है बाथरूम। यार मैं बाथरूम क्या दिखाऊं, आपको पता ही होगा बाथरूम। एंड ता-दा, दिस इज माय रूम, एकदम एपिक। तो ये है मेरा बेड, तो यहाँ पर ये देख रहे हो यहाँ पर मैं सोता हूँ, और यहाँ पर ये देख रहे हो यहाँ पर ही मैं सोता हूँ, और ऊपर जो बेड है यहाँ पर भी मैं ही सोता हूँ। बेड के नीचे गाइस हमारी टैचियां एकदम से रेडी हैं, तो जैसे ही बोला चलो पट भागो साथ वाले घर में। तो कमरे में घुसते ही गाइस आपको मिलेगी साथ में एक अलमारी, उसके ऊपर दूसरी अलमारी, उसके ऊपर एक छोटा सा लैंप, ये है मेरी सबसे बेस्ट वाली गेमिंग चेयर, साथ में एक और अलमारी, और अगर मैं इस तरफ घुमाऊं तो थरा ये रहा मेरा बेस्ट The most amazing setup। तो गाइस ये है अपना मेन डोर, यहाँ से आइए जूते उतारिए, और थड़ा तो ये है यहाँ से ऊपर जाने का रास्ता, सामने है किचन। तो काम करता हूँ मैं फटाफट क्विक टूर किचन का भी आपको दे देता हूँ। तो ये है अपना मेन किचन, सामने एक बार फिर से एक और बाथरूम एंड शावर, किचन से बिल्कुल यहाँ पे जाएं तो ये रहा हमारा मेन लिविंग रूम। सर जी पकौड़े छोड़िए, सर दाल कैसे बनाते हैं प्लीज, वैसे पकौड़े अच्छे बने। तो यहाँ पर हमने ऐसे गद्दे वगैरह डाल कर रखे हैं, पता नहीं इसका ऑफिशियल वर्ड क्या है, तो मैं इसको गद्दे ही बोलूंगा, क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड है और वहां पर मोस्टली लोग जो है गाइस नीचे बैठना पसंद करते हैं, और ऑनेस्टली बताऊं तो नीचे बैठने में क्या कंफर्ट मिलता है, मतलब एकदम खुला खुला आप बैठ सकते हो, लाइक ऑनेस्टली ऐसे खुला खुला बैठ सकते हो, और नीचे बैठना सबको पसंद नहीं है, तो इसीलिए गाइस हमने यहाँ पर सोफे भी डाल कर रखे हैं। भाई मेरे को तो दोनों जगह पसंद है, यहाँ पर भी और वहां पर भी, मैं तो दोनों जगह मजा लेता हूँ। और ये देखिए गाइस वहां पर ही पैकिंग होना शुरू हो चुकी है, वहां पर भी कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं, यहाँ पर ही पैकिंग होना शुरू हो चुकी है। चलिए एक काम करते हैं, सीधा किचन से हम यहाँ पर बाहर जाएंगे, क्योंकि बाहर एक और हमारा स्टोर रूम है, तो उसका भी आपको मैं क्विक टूर करवा देता हूँ। तो यहाँ से दरवाजा खोला, ओ भाई क्या ठंड पड़ रही है, और आपने नोटिस किया गाइस हल्की हल्की, मैं कैसे दिखाऊं आपको,
देखो हल्की हल्की स्नो पड़ रही है, हल्की हल्की। ओ माय गॉड। तो ये है गाइस हमारा छोटा सा स्टोर रूम, और जो कि ऑब्वियसली लॉक्ड है, इसकी चाबी मेरे पास नहीं है। और ये रहा गाइस हमारा घर बिल्कुल पीछे से, और यहाँ पर एक गली भी जाती है। तो अगर आप बाहर मेन रोड से कुछ चीज़ें लेके आ रहे हो जो कि बिल्कुल पीछे जानी है, तो आप यहाँ से भी लेके आ सकते हो। नॉर्मली मैं यहाँ से साइकिल लेके आता हूँ, तो गेट खोला, साइकिल सीधा स्टोर रूम में। तो चलिए गाइस ये था हमारे घर का एक छोटा सा टूर। अगर आपको मेन घर का टूर देखना है, जो कि अभी तक पता नहीं खत्म हुआ नहीं हुआ, मेरे को समझ नहीं आ रही, ये जो हमारे बिल्डर्स लोग हैं पता नहीं ताजमहल बना रहे हैं, किला बना रहे हैं, मेरे को कभी ये समझ में ही नहीं आया। तो अगर आपको मेन घर का टूर देखना है तो हिट सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट 100,000 लाइक्स। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड बाय बाय।